ट्वीट किया गया है वो ट्वीट आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट आई है, तलीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से जो हतमी फैसला जो है वो सामने आया है, वो भी हम आपके साथ न्यूज़ जो है वो शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे और आपके ऊपर आपके वालिदैन का सेहत सलामत रखे। सबसे पहले जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशन ट्रेनिंग की तरफ से बकायदा ट्वीट किया गया है। ट्वीट के अंदर बताया गया है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है मुल्क भर में तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, स्कूलों और घरों में इससे बचाव के लिए तुलबा उस्ताज़ा और वालदैन एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल जो है वो अमल करें, वक्फे वक्फे से हाथ धोएं और मास्क जो है वो पहने और वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवाएं। ये तो मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो हदायत जारी की गई है। अब हम बात करते हैं कि तलीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से क्या फैसला जो है वो सामने आया है। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एक बार क्लियर कर दूं कि जो फैसला सामने आया है वो ये है कि कोरोना केसेस आने पर स्कूल बंद करने की बजाय सिर्फ क्लास को छुट्टी दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और वजारत तलीम ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र बच्चों की तलीम के हर्ज को रोकने के लिए मुश्तरका फैसला किया है। मैं आपकी बात जो है दोबारा क्लियर कर दूं कि जो मुश्तरका फैसला किया गया है इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से और वजारत तलीम की तरफ से जो फैसला सामने आया है वो ये किया गया है कि अगर किसी जगह या किसी स्कूल के अंदर कोई वायरस जो है कोरोना के वायरस सामने आते हैं या कोई केसेस सामने आते हैं तो सिर्फ जो है उस स्कूल के उसी क्लास को जो है वो बंद किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी 9th क्लास के अंदर जो है कोरोना का कोई केस जो है वो रिपोर्ट होता है, सिर्फ 9th क्लास को छुट्टी दे दी जाए, बाकी स्कूल जो है वो ओपन रहे। तो इसी तरह जो है मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि अब किसी भी स्कूल के अंदर अगर कोई कोरोना के केसेस सामने आएंगे तो उस सूरत के अंदर सिर्फ उसी क्लास को जो है वो छुट्टी दी जाएगी। ये नहीं होगा कि पूरे शहर के स्कूल ही बंद कर दिए जाएंगे, जिस तरह बहुत ज़्यादा इस वक्त अफवाहें जो हैं वो फैली हुई हैं, रूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो हुकूमत की तरफ से जो फैसला सामने आया है वो यही आया है कि जिस स्कूल के अंदर, जिस क्लास के अंदर अगर कोई एक केस जो है वो निकलता है या कोरोना के केसेस निकलते हैं उसी क्लास को जो है वो छुट्टियां दी जाएंगी, बाकी तमाम स्कूल जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो अभी तक जो है ये फैसला जो है वो सामने आया है। जैसे ही और भी इसके अलावा कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तलीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से या कोई इसके अंदर चेंजिंग आती है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़्यादा इस वक्त तेजी के साथ जो है वो फैलना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे जैसे अपडेट और भी आएंगी वो फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें।